हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेयरिंग के सफिक्स कोड के बारे में। जी हाँ, बेयरिंग नंबर के साथ में बेयरिंग के आगे में कुछ कोडिंग होती है, जैसे कि RS, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहीं पे लिखा रहता है Z, कहीं पे लिखा रहता है K, कहीं M लिखा रहता है, कभी LLU लिखा रहता है। इन सब की मीनिंग जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले RS और LU, अगर बेयरिंग के आगे में RS और LU लिखा है, इसका मतलब है वन साइड रबर सील। उस बेयरिंग में एक साइड में रबर सील लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम है। अब LLU लिखा हुआ है बेयरिंग के आखिरी में, या फिर लिखा हुआ है 2RS, इसका मतलब है रबर सील ऑन बोथ साइड, यानी कि इसमें दोनों साइड में रहेगा, दोनों साइड में रबर का सील लगा रहेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका Z, अगर बेयरिंग के नंबर के आगे में लिखा हुआ है Z, तो उसमें मेटल सील ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड में मेटल सील लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरे साइड में यहां नहीं लगा हुआ है। इसी तरह से सेम, अगर वहां पर ZZZ लिखा हुआ है बेयरिंग नंबर के आगे में, तो मेटल सील बोथ साइड, यानी कि उसमें दोनों साइड ऐसा ही सील रहेगा जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है, है ना। नेक्स्ट है आपका NU, जैसे कि यहाँ पे बेयरिंग नंबर के आखिरी में लिखा हुआ है ECP या फिर TN9, ये सब लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि उस बेयरिंग में प्लास्टिक का केज लगा हुआ है। तो ये प्लास्टिक का केज देख सकते हैं आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बेयरिंग्स है, उस बेयरिंग्स में अगर लिखा हुआ है आखिरी में M लिखा हुआ है, तो M का मतलब है बेयरिंग विथ ब्रास केज, यानी कि उस बेयरिंग में जो केज लगा हुआ है वो ब्रास का केज है। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे जो केज है, केज जिसके अंदर बेयरिंग्स फिट्स रहते हैं, केज उन बेयरिंग्स को आपस में संभाल के रखता है, M यानी कि ब्रास केज। नेक्स्ट है अगर K या फिर E के लिखा हुआ है, तो वो बेयरिंग विथ टेपर बोर है, यानी कि उसका जो ID है, अंदर वाला जो बोर है वो टेपर है। ऐसे बेयरिंग्स में मोस्टली स्लीव फिट होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी वाले के पास चलते हैं। अगर बेयरिंग में आखिरी में लिखा हुआ है बेयरिंग नंबर के बाद HT लिखा हुआ है, HT यानी कि वो हाई टेम्परेचर बेयरिंग है विथ हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट्स, उसके अंदर हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट्स पहले से ही फिल करके उसको लाया जाता है, और ऐसे बेयरिंग्स ऐसे एटमॉस्फेयर पे, ऐसे वर्किंग कंडीशन पर यूज होते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, है ना। ठीक इसी तरह जैसे कि रबर सील बेयरिंग है, उनका यूज किया जाता है जहां पर डस्ट ज्यादा रहते हैं, वहां पर रबर सील बेयरिंग का यूज किया जाता है। इन सब के अलावा बेयरिंग के आखिरी में C1, C3, C2, CN ये सब लिखा रहता है, ये सब बेयरिंग के क्लीयरेंस के टाइप हैं। बेयरिंग क्लीयरेंस के टाइप के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं सभी का मतलब। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।